Hello everyone, today I am going to teach you workbook. This is our workbook. Open your book, page number 30. Last time बेटा मैंने आपको iron in, is, it, eat इनके sentence मैंने आपको explain किए थे. आज मैं आपको of off पढ़ाती हूँ. of off, ये देखो of off. यहाँ O और F, ये दो लेटर से हमें ओ एफ ऑफ बनाना है. तो यहाँ पे आप ओ एफ ऑफ लिखेंगे. ओ एफ ऑफ कब यूज करते हम? अभी देखो आज की डेट क्या है, 7 सितंबर है. 7 सितंबर है ना, तो इसको हम 7th of September इस तरह से भी बोल सकते हैं, 7th of September. और दूसरा सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ ऑफ का. द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर, ग्लास में पूरा पानी होता है, तो हम उसका सेंटेंस बोलते हैं द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर. ओके, अभी सेकेंड है ओ एन ऑन, ये है ओ एन ऑन. ओ और एन से हमने ओ एन ऑन ए वर्ड बनाया है. ओ एन ऑन मतलब कैसे यूज करते हैं हम ओ एन ऑन? अभी देखो हम लाइट लगाते हैं, लाइट अगर चालू है तो हम ऐसा बोलते हैं ना, द लाइट इज ऑन, द लाइट इज ऑन, इसका मतलब है लाइट चालू है. और अगर हमको बोलना है, डे बोलना है, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऐसा भी हम बोल सकते हैं. इस तरह से आप ओ एन ऑन यूज कर सकते हैं. और ये देखो और, ओ आर और, ओ आर और, ओ आर और कब यूज करते हम? जैसे मैंने अभी दो बच्चों के नाम लिए, राम और श्याम, ये दो है राम और श्याम, दोनों में से एक राम और श्याम. और दूसरा सेंटेंस हम बना सकते हैं, इज इट संडे और मंडे, इज इट संडे और मंडे टुडे, टुडे इज मंडे. इज इट संडे और मंडे टुडे, ऐसा भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं. इस तरह से हम आर यूज कर सकते हैं. अभी यहाँ देखो यची ही है, यची ही, अभी ही पता है आपको, जो बॉय होते हैं, जेंट्स होते हैं, उनको हम ही यूज कर सकते हैं. अभी जे अगर फार्मर को बुला सकते हैं हम, ही इज फार्मर, यची ही इज फार्मर, जो फार्मर है उसको बोल सकते हैं हम, ही इज फार्मर. और सेकंड है मी, एम ई मी, यमी मी, यू एंड मी आर फ्रेंड्स, ऐसा बोलते हैं हम, यू और मी आर फ्रेंड्स, हम दोनों फ्रेंड है ना, यू आर मी आर फ्रेंड्स. इस तरह हम मी यूज कर सकते हैं. डब्ल्यू ई वी, वी मतलब जहां हम सब फ्रेंड्स एक साथ बैठे हैं तब हम ऐसा बोल सकते हैं, वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स, सारे फ्रेंड्स हम ऐसा बोल सकते हैं, वी आर फ्रेंड्स. अभी है जियो गो, जियो गो, हम स्कूल में जाते हैं, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल. और इसके बाद है एनो नो, एनो नो, नो का सेंटेंस कैसे यूज करते हम? आपको पता है ना यस और नो बोलते हैं. अगर हमें किसी को आंसर देना है, हाँ में बोलना है तो हम यस बोलते हैं, अगर नो नहीं बोलना है तो हम नो बोलते हैं. इस तरह हम यस और नो, तो नो मतलब नहीं, उसे एनो नो. और दूसरा हम आई हैव नो आइडिया, अगर आपको कुछ पूछते हैं तो हम उनको रिप्लाई करते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है, आई हैव नो आइडिया. इस तरह हम नो यूज कर सकते हैं. और लास्ट है यसो सो, यसो सो, अभी बहुत सारे फ्रूट्स है तो हम उसको बोल सकते हैं सो मच फ्रूट्स, सो मच फ्रूट्स.
अगर किसी को हम थैंक यू बोलते हैं, अगर आपने मुझे विश किया तो मैं आपको बोलती हूँ थैंक यू सो मच, ऐसा बोलती हूँ ना मैं आपको। आपने मुझे विश करते हो, मैंने कल बहुत सारे बच्चों ने मुझे विश किया था टीचर्स डे के दिन, तो मैंने उसको आंसर दिया था थैंक यू सो मच, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। इस तरह सो का भी हम यूज करते हैं। इस तरह बेटा आपको ये सारे टू लेटर वर्ड्स कंप्लीट करने हैं। ओ एफ ऑफ, ओ एन ऑन, ओ आर, यची ही, यमी मी, डब्ल्यू वी, जी ओ गो, एनो नो, एसो सो। यहाँ तक हम टू लेटर कंप्लीट करेंगे। अभी टू लेटर के बाद मैं आपको फिर थ्री लेटर स्टार्ट करूंगी। ओके, आज हमारे टू लेटर सारे कंप्लीट हो जाएंगे और इसके एक एक सेंटेंस भी आप घर पे याद करेंगे। आज आपका सेंटेंस कैसा होता है, ऑन कैसे यूज करते हैं, मैंने सारे बता दिए हैं आपको। आप अपने मन से छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंस बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। गुड बाय।